ह्यूंडई अल्काज़ार देख के मुझे लगा था कि थोड़े बहुत चेंजेस या फिर कोई छोटा फेसलिफ्ट तो आया होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज, वैसी की वैसी है। आईडी और ये प्रोवाइड के बाद निकल के सीधा हम आगे निकल के भाई अपने ह्यूंडई की तरफ, ह्यूंडई किया की सिस्टर ब्रांड है, तो चलिए अब ह्यूंडई का दिखाता हूं। सबसे पहले हमें दिखाई है भाई ये ह्यूंडई की इलेक्ट्रिक ब्लू ड्राइव वाली कार दिखाई है गाइस, जैसा लुक एट दिस, वही सेम XUV 700 जैसे और किया EV6 जैसे के डोर हैंडल्स हैं, ऊपर की तरफ आगे से पैनोरामिक सनरूफ भी दे रखी है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। गाड़ी का नाम है नेक्सो। फ्रंट की डिजाइन की बात करो तो नीचे की तरफ हमें यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिलता है, उसके ऊपर आ गया भाई अपना LED DRL, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और भाई ये है Hyundai की आइकॉनिक, एंड दिस इज द आइकॉनिक लुक लाइक भाई, पीछे की तरफ से पूरी एस्टन मार्टिन जैसा लुक दे रही है ये, एंड Pirelli के इसमें टायर दे रखे हैं, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। की तरफ यहाँ पे हमें प्रॉपर एक LED सेटअप दे रखा है, अंदर के इंटीरियर की बात करो जितना मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, और सबसे मेन चीज गाइस ये है लेफ्ट हैंड ड्राइव, दैट मींस ये इंपोर्टेड कार है जो बाहर से मंगवाई है, ये इंडिया में नहीं बनी है। यहाँ पे आइकॉनिक 6 खड़ी है, सेम एज इट इज यहाँ पे जो है इसकी आइकॉनिक 5 भी यहाँ पे खड़ी है, दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल कार। हाउ इट लुक्स लाइक, बट मुझे ऑनेस्टली अलॉयज का डिज़ाइन इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, और गाड़ी की ओवरऑल अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा शार्प डिज़ाइन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इंटीरियर्स की बात करूँ तो यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक सा लग रहा है मुझे यहाँ से बाहर से देखने में। ऊपर की तरफ अपनी वही आ गई पैनोरामिक सनरूफ, वहाँ पे हमने अभी आइकॉनिक 5 देखी थी, एज इट इज यहाँ पे भी खड़ी हुई है, यू कैन हैव अ बेटर लुक ओवर हियर। फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ प्रॉपर एक LED सेटअप दे रखा है यू कैन सी, और गाड़ी का जो फ्रंट का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके का है। Hyundai Alcazar देख के मुझे लगा था कि थोड़े बहुत चेंजेस या फिर कोई छोटा फेसलिफ्ट तो आया होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज, वैसी की वैसी है। यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाई दे रही है। ये Hyundai ने अपना ड्रोन बना रखा है, ये आइकॉनिक गाड़ी, ये जो Hyundai की आइकॉनिक गाड़ी है लगा रखी गाड़ी, ये 5 जगह लगा रखी जिसको मैं लिटरली 5 टाइम्स देख चुका हूँ, और ये अपने नाम को विथ स्टैंड करी है आइकॉनिक 5। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि आइकॉनिक 5 5 बार लगा रहे थे, तो अब छठी बारी तो वो लग नहीं सकती, तो अब इन लोगों ने क्या करा, सीधा गाड़ी की सीटें उखाड़ के लगा दी बाहरी। तो फाइनली अब Hyundai के स्टॉल से जो हम बाहर निकल चुके हैं, अब यहाँ से आगे जा रहे हैं, देखते हैं अब कौन सा दिखने वाला है। तो जैसे कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बोला था बायोफ्यूल्स के बारे में, तो यहाँ पे भी उसका डेडिकेटेडली आत्मनिर्भर इथेनॉल एंड आत्मनिर्भर का स्टॉल लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसके कुछ बेनिफिट दिखा रहा है क्या, तो आप लोग पॉज करके जो है इसको पढ़ सकते हैं। ये है अपनी मारुति सुजुकी की वैगनार फ्लेक्स फ्यूल के साथ में, दैट मीन्स ये बायो फ्यूल पे जो है ये गाड़ी चलती है। गाड़ी बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज वैसी ही रहेगी, बस जो मेन डिफरेंस जो हमारा चेंज आएगा वो हमारे इंजन के साथ आएगा। देखो ये हमारी कोरोला ऑल्टिस, ये एक नॉर्मल कोरोला ऑल्टिस नहीं है गाइस, ये हमारे फ्लेक्स फ्यूल यानी इथेनॉल के साथ आती है। यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग भी दे रही है पावर्ड बाय इथेनॉल। बाकी एज इट इज गाड़ी जो है वो देखने में सेम वही रहने वाली है, बट जो उसका मेन चेंज, जो मेन कंपोनेंट चेंज हुआ है वो उसके इंजन के साथ हुआ है, दैट मीन जो वहाँ पे लिखा हुआ था पावर्ड बाय इथेनॉल, दैट मीन्स फ्लेक्स फ्यूल। और सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है गाइस, ये गाड़ियाँ जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं, टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है जो एनवायरमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। गाइस यहाँ पे टू व्हीलर्स भी जो है वो फ्लेक्स फ्यूल के साथ दिखाई गई है, जैसे कि ये TVS Apache, ये भी फ्लेक्स फ्यूल के साथ आती है, दैट मींस इथेनॉल। तो ये सारी जो ये बाइकें यहाँ पे दिखा रही हैं, अपाचे हो गई, ये अपनी फेजर हो गई, ये सारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी में गाड़ियाँ देख रही हैं ये सारी। अभी मैंने किसी से पूछा तो ये लोग कह रहे हैं कि 2024 तक ये गाड़ियाँ जो है मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बेसिकली पेट्रोल पंप पे आप लोगों को जो है वो इथेनॉल प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो आपकी गाड़ी के साथ कंपेटेबल होगा। गाड़ियों को हाथ लगाना तो गाइस पॉसिबल नहीं है, अब 350 की टिकट लेके आप इस ऑटो में ही बैठ सकता हूँ मैं। तो फ्लेक्स फ्यूल के साथ में जितना भी ये पूरा एरिया है ये सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली के बारे में, एनवायरनमेंट को कैसे हम बचा सकते हैं और बेटर तरीके से हम जो है अपने फ्यूलिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ वो दिखाने के लिए बना रखा है।